आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए, दैट इज फैराडेज लॉस। जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने डिस्कस करा था फैराडे का फर्स्ट लॉ। और फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, जब भी एक कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंज होगा तो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। आज हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आज हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, सो ईएमएफ इज नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन मैक्सिमम होता है जब हम सेल से कोई भी करंट को ड्रॉ ना करें, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस बट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। सो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फैराडे सेकंड लॉ। योर फैराडे सेकंड लॉ स्टेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स rate of change of magnetic flux. सो मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। अगर आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, सो द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, दैट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। Suppose phi 1 is magnetic flux at any time and phi 2 is magnetic flux after time t. So can we calculate the change in magnetic flux, because magnitude of induced EMF is directly proportional to what? Rate of change of magnetic flux. So change of magnetic flux kya hoga? That is final minus initial, phi 2 minus phi 1 is what? Change in magnetic flux. What is rate of change of magnetic flux? No, divided by time. Phi 2 minus phi 1 divided by t. It is rate of change of magnetic flux. This one is change in magnetic flux and what is t? T here is time. And what does Faraday second law says, that what is E? Induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. This term, this one is rate of change of magnetic flux, that is phi 2 minus phi 1 divided by t. The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. That is the statement of what? Faraday second law. Now, proportionality यहां से हम हटाएंगे तो आएगा इक्वल टू, साथ में कोई कॉन्स्टेंट के माइनस साइन भी लगा देंगे, माइनस में बताता हूं आपको क्यों लगाया यहां पे, phi 2 minus phi 1 divided by t. What is k here? K is constant of proportionality and its value is 1. इसकी वैल्यू 1 होगी, तो आपकी induced EMF का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, माइनस phi 2 minus phi 1 divided by t. अब ये जो induced EMF है, ये oppose करेगी cause को, which is responsible for its production. And this is given by Lenz's law, जो आपने higher classes में पढ़ना है. This minus sign shows that
द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन. ठीक है, जैसे आप सांप के बच्चे को दूध पिलाओगे तो कभी ना कभी वो आपको काट ही देगा. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस. तो जो इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ को बना रहा है ये उसी को अपोज करता है. And that is why we have taken here the negative sign. Okay, so this one is your the magnitude of induced EMF, which is given by your Faraday's second law. So Faraday's second law says that the direction of induced EMF, the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Proportionality at I equal to साथ में कोई constant phi 2 minus that is same. K is constant and its value is 1. तो K की जगह 1 रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा. E is किसके कुल है माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी. दिस वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग. कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा जब एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे. सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी कमेंट हो, क्यूरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच.